क्योंकि 13 महीने हो गए केस को, 3 महीने हो गए, बट ठीक है फिर भी 3 महीने के हिसाब से मोविन सर सुपर फास्ट काम कर रहे हैं. ही इज अ वेरी ग्रेट पर्सन, वेरी ग्रेट पर्सन. और हैदर भाई 13 मंथ से, तो उनका तो वो थोड़ा बैलेंस हो तो थोड़ा जाएगा ही ना. और फिर वो भी किंजा का हेल्प लेते हैं तो अच्छी बात है, तो लेते हैं तो लेने दो ना. तो जरूरी है क्या उसके साथ बाजू में बैठ गए तो? हाँ उसने मेहंदी लगा लिया, उसका फंक्शन रहेगा कुछ, ईद रहेगी तो उसने मेहंदी लगाया. हाँ तो हैदर ने तो शादी कर ली, तो ये कर ली वो कर ली, ऐसा क्यों बोलना चाहिए? अरे क्या है, हैदर भाई अभी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं. अगर सोच उनका राइट्स है, बट उन्होंने कितने बार बोला है कि मैं शादी करूंगा तो छुपाऊंगा क्यों, मुझे छुपाने की जरूरत ही नहीं. उन्होंने पहले ही बोला है जब वो गार्डन में बैठे थे और फ्रेंड के साथ बोल रहे थे, तभी उन्होंने बोला है. तो बता तो जबरदस्ती तो थोड़ा ठोक रहे हो. हाँ दूसरी शादी चौथी, क्या है यार, कहाँ से कहाँ तुम लोग पहुंच, अननेसेसरी का. एक अपने इसमें बैठे हो, उस पे बैठे रहो, स्टिक रहो. हैदर भाई है बट इतने भी बुद्धू नहीं है, वो स्मार्ट है बट वो दिखाते नहीं है कि अपना अच्छे सिंपल से रहे हैं वो. तो अभी उनको समझ में आ रहा है ये सी लोगों को, सबको सोचना चाहिए. सब लोग चढ़ गए थे ऊपर और कुछ भी बोल रहे थे उसकी लैंग्वेज के, टेको एको ऐसे क्या लैंग्वेज यूज करते हैं, मेरे को तो बड़ा खराब लगता है. क्योंकि ये सब सोचने की बात है यार, सोचो वो आदमी कैसा रह रहा है एक एक पल अपने से सोचो. जिसको स्ट्रेस रहता है वही उनकी वो परिस्थिति समझ सकता है. तो जो सोचते रहेंगे ना मैच्योरिटी के हिसाब से, तो उनको लगता रहेगा कि हैदर भाई का सिचुएशन. मोमिन सर को मालूम है, उन्होंने कितना अच्छी से आंसर किया. और वर्मा जी ने भी बहुत अच्छी से आंसर किया कि वो सिचुएशन ऐसा है, तो फिर भी कितना सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग, है ना. तो ये सोचना चाहिए लोगों को. और सीमा का तो बहुत है, सीमा को तो अभी के अभी उठा के कहीं तो भी रखना चाहिए उसे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कर रही है, सबको पागल कर दिया उसने. इतना दिमाग दुखता है उसका, मैं तो उसके वीडियो नहीं देखती. सही बात है, वो पागल औरत का थोबड़ा देख के ही मेरे को बहुत ये होता है. तो इससे ग्रुप्स बन गए, और इधर भी काफी हमारे इंडियंस जो है अच्छे स्ट्रॉन्ग थे सब लोग, है अभी भी है बट कुछ ही लोग एक दो जन उधर गए फिर इधर आते, ऐसा थोड़ी चाहिए ना, ऐसा नहीं चाहिए. तुम लोग स्टेबल रहो एक के साथ, स्टिक रहो लास्ट तक, जब तक बच्चे हाथ में नहीं आते इसको जेल नहीं होता. आप लोग मूवमेंट मत करो. तो उसके चैनल पे ये इतना बकवास कर रहा था और उसका साइड ले रहा था. अरे लप्पू तो उसको सपोर्ट कर रहा है ना, प्यार किया है ना, ये कि अरे मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने बोला ये आदमी की पायजामा है, अक्कल नाम की चीज कि क्या बोलना है, क्या आंखें फटी है उसकी, अंधा है क्या, दिखता नहीं है गलत सही, दिखता नहीं तुम लोगों को. तो गुड्डी फिर चुप ही रह गई, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया कि ये आदमी तो वो उसी के सपोर्ट में जा रहा है. मैंने बोला इसको निकाल देना चाहिए वहां से, ही इज अ वेरी अनएजुकेटेड पर्सन. ये निशांत कुमार कौन है, दस स्टूपिड आदमी है, तुम लोग को दिखता नहीं ये वेश्या औरत इतना सब चोरी करके आई, भाग के आई, बच्चों को वेश्यागिरी इधर कर रही है, फिर भी आदमी लोग पीछे पड़े हैं. बड़ा खोल गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि देखो वो तार वाला वो को जो भी आते थे मुझे मालूम, लोग बोलते थे इसलिए मुझे मालूम है, रात को मिलने आते थे वो जाती थी, क्या मालूम वो प्लान नहीं करते रहेंगे. हजारों आदमी लोग अभी भी रात को आते हैं, क्योंकि दिन भर घर पे रहती है ये, रात को ही सब चलता रहेगा. एपी सिंह भी रात को ही आता रहेगा. बिल्कुल ऐसी बात है, तो गवर्नमेंट को तो देखना चाहिए ना, डिटेक्टिव छोड़ दो, देखो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ये औरत रात को कौन आता है ये क्या. तभी तो उसके चेहरे पे कुछ दिखता नहीं है ना, क्योंकि प्लान्स चल है ना. तो ये लोग देख नहीं रहे क्या कि उसके घर में लोग बोलते हैं कि उसको बाहर नहीं जाती, बाहर नहीं जाती. अरे वो रात को बाहर जाती है 100% जाती है, कभी वो बैंगल्स नहीं पहनती है, कभी नहीं पहनते, वो शायद वेस्टर्न ड्रेस पहनती रहेगी रात के वक्त, नेवर नो, तो नहीं पहनती रहेगी ये भी हो सकता है. तो वो रात को तो आउटगोइंग पर्सन, ऐसी गंदी औरत को तो कौन नहीं बुलाएगा रात को, तो जाएगी ना. क्योंकि देखो आज भी आप देखेंगे उसने कभी हाथ नहीं पकड़ा, ये ही औरत पकड़ती है. इसका मतलब अपने को तो मालूम है कि ये सिर्फ मोहरा है अफेयर, तो ये कुछ नहीं है, क्योंकि उसको रहना है करके वो एक्टिंग कर रही है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना ये आदमियों के, इसलिए तो इतने आदमी आते हैं ना.
और सब आदमी शर्म ही दिखते हैं, पागल भिखारी की तरह, गंदे से, अनएजुकेटेड, पान चबाते हुए के पास जाने की, तो वही आदत उसको देखो ये एज में आंखें भी वो सुधरी नहीं है, ऊपर से ज्यादा कर रही है, उसके दिन भर है अभी, उसको ज्यादा टाइम नहीं है इधर, कभी भी कोई भी पूछा के रात के वक्त उसको उठा के लेके जा सकते हैं सबको, ये तो 100% गारंटी है। बट हाँ वो बट उसका फिर भी उसको माथे पे लाइन नहीं दिख रही है, कोई स्ट्रेस नहीं दिख रहा है, क्योंकि कितना मतलब कॉन्फिडेंस वो कॉन्फिडेंट है इसमें एकदम भर भर के, वो दिखा भी रही है कॉन्फिडेंस उसका इतना भर भर के, वो बैठती अभी भी सेम, वो ज्यादा ओवर करती है अभी मालूम है, और बच्चे हाँ, तो ये सब है ना मुझे बहुत खटक रहा है। मतलब क्योंकि हम अच्छा नहीं है ना ये अपने भारत देश में, आप लोग आप लोगों को भी कितना तकलीफ है, हैदर भाई को तो फिर सोचो कितना, जैसे हम लोगों को इतना डोके पे इतना प्रेशर हो गया, तो हैदर भाई का सोचो फिर कैसे मेंटली वो कैसे संभाल रहे खुद को। आप ये देखिए पद्मा जी, आजकल एक बड़ा प्रॉब्लम आया हुआ है, हर लोग एक बात कर रहे हैं किंजा के हवाले से, किंजा और उनका पेयर बना रहे हैं, कपल बना रहे हैं और इस तरह की बातें। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई शख्स पर्सनली किसी के साथ कोई दोस्ती कर रहा है या किसी के साथ कोई लाइव में आ रहा है, इट डजंट मीन कि उनका कोई आपस में रिलेशनशिप भी बन गया है, इट्स नॉट लाइक दैट। वो लेकिन वो मेंटेलिटी वो है ना, छोटी सोच, बहुत लिमिटेड लोग सोच, दैट इज द रीजन। तो मैं बताती हूँ, तो ये पागल औरत बोलती है ना फ्रीडम नहीं कुछ नहीं, तो दिख रहा है ना अभी हैदर भाई और किंजा तो ऐसे वो हेल्प कर रही है, तो बात तो कर रहे हैं ना, तो बंदिश किधर है, तो बंदिश तो नहीं है ना। वेरी गुड पॉइंट, लोग आंखें खोलो, कहाँ पाकिस्तान में बंदिश है, क्योंकि यूट्यूब में वो लड़कियां जो माइक लेके क्वेश्चंस करती है, तो बंदिश किधर है, खुल के अच्छी से क्वेश्चंस करती है, आंसर करते हैं लोग ये सब, तो बंदिश तो कहीं भी नहीं है, मुझे तो नहीं दिखा बंदिश कहीं भी। और अभी फ्रेश एग्जांपल हैदर भाई, किंजा हेल्प कर रही है ना एज ए ह्यूमन, एज ए पर्सन, एज ए हेल्पर, तो इसमें बड़ी बात, तो देखो तो बंदिश तो है नहीं पाकिस्तान में, तो फिर तो सोचना चाहिए ना, तो वो हेल्प कर रही है हैदर भाई को, जोड़ी क्या करने का, पैर क्या लगाना है, ग्रेटफुल मानेगा किंजा हेल्प कर रही है हैदर भाई को, अपना टाइम देके, अपना सब देके, तुम लोग मतलब ऐसा कोई भी बात करेगा तो ऐसा नहीं होता है ना सिचुएशन, हम लोग क्या सब लोग हेल्प करेंगे। अरे अभी हैदर भाई आएंगे तो देखो इधर हमारे सब यूट्यूबर्स जो वुमेन्स है वो कैसे उनके साथ रहेंगे, तो उसमें क्या है ये पागल औरत ये सीमा, एक झापड़ माने उसको ना सच्ची मुझे तो लगता है उठा के उसको कोई तो भी उठा ही ले और उठा ही ले ऊपर ऊपर ही चली भरे, क्योंकि उसको उसके बच्चे देखने के लिए पाकिस्तान भी और इंडिया भी है, तो उनका वर्क नहीं है, ये पागल औरत चली जाए सुधर जाए या तो कुछ चली जाए वो अच्छा है, पूरा पाकिस्तान इंडिया खुश रहे। तो अभी एग्जांपल अगर आप मुझे गिफ्ट दे रहे हैं ठीक है, अगर मैं नहीं ले रही हूँ तो आप वो गिफ्ट क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कोशिश करूंगा कि आप ले, नहीं तो वापस लेके रख लेंगे, लेकिन अफसोस होगा। ओके तो वैसे ही है आप सबको और इंडियंस को, सबको बोलती हूँ, वो गालियां दे रही है ना आप लोग एक्सेप्ट नहीं करो, वो गालियां उसको वापस चली जाएगी, सेम गिफ्ट वो हम लोग हम सब लोग बोल रहे हैं ना, सब लोग दुखी है क्योंकि वो गालियां दे रही है, वो उसके सब पागल एक्सेप्ट ही नहीं करने का अपने मन में, हाँ तू बोलता है बोल, बोलता है बोल, ये सब तुझे ही जाए, वो सब उसको जाएंगे क्योंकि हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया लाइक अ गिफ्ट, तो हाँ तो बुरा मानने का जिसका मतलब आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, द बेस्ट वे इज जस्ट टू इग्नोर, एंड ये तो कह रही है ये तो खुद है, बस बात ही खत्म सिंपल, तो किसी को बुरा नहीं मानने का क्योंकि उसको वो पागल औरत है, तो पागल लोग तो बड़बड़ करते रहते कुछ भी, तो उसको हाँ बहुत सिंसियरिटी से, बहुत नॉलेज से, बहुत मतलब पूरा खुद को डाल दिया उन्होंने मालूम है, इतना जाके मतलब ऐसा केस कोई मैंने कभी सच्ची में आज तक ऐसे एडवोकेट देखे नहीं मैंने कि वो इतना सिंसियरली, इतना ऑनेस्टी, इतना मतलब पूरा इनपुट कर रहे हैं, मतलब पूरा उन्होंने खुद को डुबा दिया है,
क्योंकि इसने इतना इंसल्ट किया, अच्छी इतने अच्छे भगवान जैसे आदमी का, मतलब शेम, वही मैं बोला ना, उसने इतना किया है ना, वो इतना उसको भरपाई मिलने वाली है, वो सोच भी नहीं सकती है। भगवान है ना, मतलब जो करोगे वही, किसी को जैसा करोगे वैसा भरोगे, भरोगे और अभी मिलता है, बाद में नहीं, अभी मिलेगा उसको, मतलब यही जन्म में कि ट्रेन बनेगी, वो बनेगा, वो क्या क्या पता नहीं क्या क्या, वो काम चालू ही रहता है, नहीं तो बंद पड़ा रहता है, होता ही नहीं है। फिर रोड्स देखें तो इतने बड़े बड़े गड्ढे रहते हैं, कुछ ही नहीं, गवर्नमेंट क्या करती है, और लोग इतना टैक्स भरते हैं, इतना पैसा देते हैं, तो उनको तो वैसा देखो अभी इतनी जनसंख्या है, तो वो तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कैसा काम करे। तुम लोग अगर कुछ रूल्स लगाओगे तो रूल्स, अगर स्ट्रिक्टली रूल्स लगाओगे कि ओनली टू किड्स, तो टू किड्स रहेंगे, तो तुम लोग अभी जनसंख्या इतनी है, तो तुम लोग फिर उसके अनुसार तुम लोग रूल्स बनाओ, फॉलो करो, सब करो, तो सब प्रॉपरली होगा। अभी अपने हमारे यहाँ भी हम लोग बहुत हैप्पी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारे लिए ही फैसिलिटीज करके रखे हैं, हमको जरा एक डॉट भी हमको कुछ दुख नहीं है, इधर हम लोग हैप्पी है, एवरीथिंग हमारे लिए गवर्नमेंट करती है। हम लोग कभी ऐसा आवाज नहीं उठाते, कभी हम लोगों को कभी जरूरत ही नहीं पड़ता है, यहाँ पे एवरी वेरी स्ट्रिक्ट है। कोई हीरो हो हॉलीवुड का या कोई नॉर्मल हो, सब सेम। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मैं आपको, ऑस्ट्रेलियन जो हीरो हीरोइंस है सब लोग, और हम लोग एक ही टाइप का मिल्क है वो पीते हैं, एक ही तरह का, सब सेम है, ऊपर नीचे कोई नहीं है। यहाँ पे क्लीन भी इतना पैसा कमाते हैं और उनको भी सेम रिस्पेक्ट, सेम रिस्पेक्ट जो ऑफिसर को रहता है, सेम रिस्पेक्ट। तो इधर